नमस्कार दोस्तों, पीजी स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आरपीएफ क्रैश कोर्स के पहले क्लास में नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए बिना देर किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ आरपीएफ में आपका अर्थमेटिक से टोटल 35 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है? तो 35 क्वेश्चन तो हम लोग उम्मीद यहाँ पे आशा करेंगे कि कम से कम 30 से 32 क्वेश्चन हम लोग वहाँ पे अटेम्प्ट करके आए, ठीक है? तो हम लोग उसी के हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में चर्चा करते हैं। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले जानते हैं हम लोग नंबर के बारे में, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है? नंबर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आता है दोस्तों नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं उसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो काउंटिंग नंबर जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी ले सकते हैं आप लोग, ठीक है? लेकिन सारा का सारा आपका पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट आपका आता है होल नंबर, ठीक है? होल नंबर हम लोग किसको कहते हैं? तो होल नंबर उसको कहेंगे सारे काउंटिंग नंबर जीरो के साथ। सारे काउंटिंग नंबर जीरो के साथ अगर इंक्लू हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। जीरो अगर छोड़ देंगे तो उसको नेचुरल नंबर बोलेंगे, ठीक है? तो सेम वही चीज़ रहा, ठीक है? नेक्स्ट आपका आता है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है दोस्तों? तो इंटीजर सारे काउंटिंग नंबर पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यूज़ के साथ, जिसमें कि हम लोग जीरो को भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखिए यहाँ पे -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, 4, 5 आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है? लेकिन सारे के सारे काउंटिंग नंबर होने चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट आपका आता है इवन नंबर। तो इवन नंबर हम लोग किसको बोलते हैं? तो इवन नंबर वैसे नंबर होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल हो, जिसको हम लोग 2 से भाग दे सकते हैं। वो सारे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है? नेक्स्ट आपका है ऑड नंबर। ऑड नंबर हम लोग किसको बोलते हैं? कि वे सारे नंबर जो कि 2 से भाग ना हो, ठीक है? नंबर्स नॉट डिविजिबल बाई 2, ठीक है? तो हम कौन कौन सा नंबर होगा? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, ठीक है? तो ये सारे नंबर जो है वो ऑड नंबर कहलाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आपका आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हम लोग किसको बोलते हैं? तो प्राइम नंबर दोस्तों देखिए, प्राइम नंबर हम लोग किसको बोलेंगे? तो वैसे नंबर जो कि 1 और अपने से भाग हो जाए उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप लोग 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सारे जो नंबर हैं ये क्या है? एक तो अपने से भाग होते हैं और साथ ही साथ 1 से भी भाग हो सकते हैं, ठीक है? तो अपने से और 1 से 1 को छोड़ के ये दूसरे किसी नंबर से भाग नहीं होंगे, ठीक है? यहाँ पे आप कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे 11 लेते हैं हम लोग। तो 11 किस किस से भाग होगा? 11 आपका होगा 11 से और 1 से, ठीक है? उसी तरह अगर हम लोग 5 की बात करें तो 5 किस किस से भाग होगा? 1 से और 5 से, ठीक है दोस्तों? तो ये तो था आपका प्राइम नंबर, ठीक है? अब आता है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? तो कंपोजिट नंबर वैसे नंबर को बोलते हैं जो कि प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है? वैसे नेचुरल नंबर जो कि प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ एग्जांपल के तौर पे
देखिए 1, 4, 6, 8, 9, तो ये सारे के सारे जो नंबर हैं ये प्राइम नंबर नहीं है, तो इसीलिए ये सारे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है दोस्तों को प्राइम। को प्राइम किसको कहते हैं? ठीक है, तो को प्राइम टू नेचुरल नंबर हैविंग एच सी एफ एज वन। तो दो ऐसे नेचुरल नंबर ले लेते हैं जिसका एच सी एफ कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो एग्जाम्पल देखिए, 2, 3, 2 और 3, दोनों का एच सी एफ कितना है, एच सी एफ कितना है दोनों का, दोनों का एच सी एफ होगा एक। ठीक है, फिर आते हैं 4, 5, देखिए 4, 5, 4, 5 का एच सी एफ कितना होगा, एक होगा। 7, 9 का एच सी एफ भी एक होगा, 8 और 11 का भी एच सी एफ एक ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से नंबर को रैशनल नंबर कहते हैं, कि नंबर रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो इसका मतलब क्या है कि जो नंबर को हम लोग फ्रैक्शन के टर्म में लिख सकते हैं वैसे नंबर को हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर वैसे नंबर को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर वैसे नंबर होते हैं जिसको कि हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे √2 π। ठीक है, √2 का मान कितना होता है, √2 का मान कितना होता है, 1.414। ठीक है, ये जो है ये आपका जो है ये जो आपका है ये क्या होता है, रिपीट आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, और उसी तरह आप अगर पाई का भी देख लीजिए तो पाई का भी सेम उसी तरह है। ठीक है, तो ये दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू यानी कि फ्रैक्शन के टर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो इरेशनल नंबर होते हैं उसको हम लोग डेसिमल में तो लिख सकते हैं लेकिन फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है रियल नंबर। तो रियल नंबर कैसे नंबर होते हैं, तो रियल नंबर रैशनल और इरेशनल दोनों ही नंबर को अगर देखा जाए तो दोनों ही नंबर को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, रैशनल को हम लोग रियल नंबर बोल सकते हैं, इरेशनल को भी रियल नंबर हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आता है कि मान लीजिए कि आपको अगर कोई नंबर दिया गया है, ठीक है, तो उसको आप लोग कैसे चेक कीजिएगा कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूँ आपके लिए। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि मुझे 319 को मुझे चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं। ठीक है, तो 319 के निकट, माने 319 के निकट कौन सा स्क्वायर आता है, 18 का स्क्वायर आता है मेरा। ठीक है, थोड़ा सा उससे ज़्यादा होना चाहिए, उसके बराबर या थोड़ा सा उससे ज़्यादा। ठीक है, तो कितना आ रहा है मेरा, 18 का स्क्वायर आ रहा है। 18 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 324 हो जाता है। ठीक है, तो 324 क्या हो रहा है, 319 से बड़ा हो रहा है। ठीक है, हम लोग तब अब क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग करेंगे 18 से नीचे जितने भी प्राइम नंबर है सारा को लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए 18 से नीचे कौन कौन सा प्राइम नंबर है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। ठीक है, तो देखिए अब ये सारे प्राइम नंबर जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, तो ये सारे प्राइम नंबर में से देखेंगे, एक एक करके देखेंगे कि ये जो मेरा रिक्वायर्ड नंबर दिया हुआ है वो किसी नंबर से भाग होता है कि नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 319 जो है 11 से भाग हो जा रहा है। तो अगर किसी भी नंबर से ये भाग हो जाता है तो उसको प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे हम। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर 319 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखते हैं एक और नंबर, 437। तो 437 का निकट स्क्वायर कौन सा है, 21 का होता है, 21 का कितना होता है, 441। तो 441 मेरा 437 से बड़ा है। अब देखेंगे 21 से नीचे प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, तो 21 से नीचे हमारे प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, 13, 17 और उसके बाद 19। ठीक है, ये सारे मेरे 2, 21 के नीचे प्राइम नंबर होते हैं।
तो अब देखिए यहाँ पे 437 जो है वो क्या हो रहा है, अब देख रहे एक एक करके अगर देखेंगे तो किसी से तो भाग नहीं हो रहा, लेकिन 19 से भाग हो जा रहा है ये, ठीक है 437। इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, 437 को जो है वो मेरा प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखते हैं 811। ठीक है, तो 811 के निकट किसका स्क्वायर आता है, 29 का स्क्वायर आता है। ठीक है, तो 29 का स्क्वायर अब इसमें भी चेक करके देख लेते हैं, 29 से नीचे मेरा कौन कौन सा है, तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है और 23 है। तो ये सारे जो नंबर हैं ये मेरा प्राइम नंबर है। ठीक है, तो हर एक में अगर चेक करके हम लोग देख लेंगे तो देखेंगे क्या कि किसी एक से भी 811 जो है वो भाग नहीं हो रहा है। ठीक है, तो भाग नहीं हो रहा है तो इसीलिए हम लोग कहेंगे यहाँ पे कि 811 जो मेरा है वो प्राइम नंबर है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इसको कि हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू मतलब सीधा सीधी आप समझ लीजिए, एक आपका सीधा सीधी फेस। ठीक है, जैसे कि कोई नंबर का हम लोग फेस देखना चाहते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, तो फेस वैल्यू किसी नंबर का क्या कैसे निकालेंगे, तो फेस वैल्यू किसी नंबर का वो खुद होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे फेस वैल्यू ऑफ 6 मुझे पूछा गया है, कौन से नंबर पे, 6872 में, 6872 में फेस वैल्यू ऑफ 6 पूछा गया था, कितना होगा, 6 होगा। फिर नेक्स्ट देखिए आपका है कि फेस वैल्यू ऑफ 9 पूछा गया है 70984 में। ठीक है, तो इसमें फेस वैल्यू ऑफ 9 क्या होगा, 9 ही होगा मेरा। ठीक है, जो भी नंबर का आपको यहाँ पे पूछा जाए वो नंबर खुद होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों प्लेस वैल्यू या फिर लोकल वैल्यू। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू और लोकल वैल्यू ये कैसे निकालते हैं हम लोग, आइए देखते हैं। तो प्लेस वैल्यू यूनिट डिजिट का कैसे निकालेंगे, यूनिट डिजिट इंटू 1। फिर प्लेस वैल्यू टेंस डिजिट का कैसे निकालेंगे, टेंस डिजिट इंटू 10। हंड्रेड्स डिजिट का कैसे निकालेंगे, हंड्रेड डिजिट इंटू 100। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिए यहाँ पे प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन 70926। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग गौर कीजिए कि 9 का जो है, 9 कौन से प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर है मेरा 100 प्लेस पे है 9 मेरा यहाँ पे, तो इसीलिए हम लोग करेंगे 9 × 100, तो आ जाएगा मेरा 900। क्या करेंगे, जो डिजिट है वो और उसका प्लेस यहाँ पे। ठीक है, तो मेरा रिक्वायर्ड मेरा प्लेस वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिए प्लेस वैल्यू ऑफ 3 पूछा गया है यहाँ पे 2031 में, तो 3 देखिए कौन से प्लेस पे है, टेंथ प्लेस पे है, तो 3 × 10 कर देंगे, 30 आ गया मेरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कि द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6 इन द न्यूमरल 856973 इज। तो इस जो नंबर पे है 6 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस पूछा गया है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले प्लेस वैल्यू ऑफ 6 निकाल लेते हैं, उसके बाद फेस वैल्यू ऑफ 6 निकाल लेते हैं और दोनों को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो 6 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, 6 × 1000 यानी कि 6000। ठीक है, और फेस वैल्यू कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, तो 6000 − 6 यानी कि 5994। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि द डिफरेंस बिटवीन लोकल वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 7 इन द न्यूमरल, ठीक है, इज कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्लेस वैल्यू ना देके यहाँ पे लोकल वैल्यू दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे चिंता करने की कोई बात नहीं है, प्लेस वैल्यू और लोकल वैल्यू जो होता है वो एक ही होता है। ठीक है, तो हम लोग सेम उसी तरह बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले लोकल वैल्यू ऑफ 7 निकालेंगे, फिर फेस वैल्यू ऑफ 7 निकालेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, तो लोकल वैल्यू ऑफ 7 कितना होगा, तो 7 देखिए कौन से प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है, तो 7 × 100 हो जाएगा लोकल वैल्यू, और फेस वैल्यू कितना होगा, फेस वैल्यू होगा 7, 7 × 100 700 आ गया,
और यहाँ 7 आ गया, तो कितना आंसर आ गया मेरा 693। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो बहुत ही फायदेमंद रहेगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू।